15 लाख? जी नहीं यार, आप झूठ बोल रहे हो यार। क्या लगता है आपको? नहीं, ये 15 लाख की नहीं हो सकती यार। कितने की हो सकती? गाड़ी बड़ी प्यारी है, उसकी शेप देखो ऐसे जैसे मतलब वो ई ट्रॉन गाड़ी तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपए की वो गाड़ी है ई ट्रॉन। अच्छा सर, ना करो यार, सच में कौन से मुल्क में? सर आपको क्या लगता है किस कंट्री की ये गाड़ी लगती है? यार ये मुझे जापान या कोरिया की लग रही है, इसके अलावा नहीं लग रही। नहीं सर, आप सच कह रहे हैं? जी सर। नहीं मुझे नहीं लग रहा 15 लाख। जी सर 15 लाख की गाड़ी। सर ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है कि इतनी सस्ती गाड़ी और इतनी अच्छी गाड़ी, मतलब इट डजंट मेक सेंस। पता नहीं कैसे आप कह रहे हैं। मुझे ये बताइएगा ये किस कंट्री की होगी? हो सकता है चाइना ने कोई पाकिस्तान में न्यू इन्वेंट की हो। रहने वाले लोग हैं इंडियन, उनको बड़ी फैसिलिटी हो रही है कि इतनी सस्ते में उनको इतनी अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। पाकिस्तान में देखा जाए तो हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, वो टैक्सीज वगैरह मिला के गाड़ी की कीमत कहाँ से ली जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सरफराज। सरफराज, सरफराज साहब मुझे बताइएगा कि गाड़ियों का शौक है आपको? किसको नहीं है सर। कौन सी गाड़ी पसंद है? मुझे फिलहाल तो सस्ती गाड़ी पसंद है। कोई एक गाड़ी जैसे कि? अपनी इस्तेमाल के मुताबिक आल्टो ठीक है। आल्टो ठीक है। आल्टो की क्या कीमत है पाकिस्तान में? तकरीबन ये है अभी मेरे ख्याल में 18-19 के करीब है। 18-19 के करीब आप बता रहे हैं, ठीक है, जो छोटी सी गाड़ी है। चले सर, आज बेसिकली मेरा टॉपिक है गाड़ी से रिलेटेड, तो मैं आज आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ। आपने ये गाड़ी देख कर मुझे बताना है आपको गाड़ी कैसी लगी। प्यारी है यार, बिल्कुल लुक बताएं कैसी लगी। लुक बिल्कुल ऑडी ई-ट्रॉन जैसी है। ऑडी ई-ट्रॉन जैसी है। और किसके साथ कंपेयर करेंगे? और उसकी किया स्पोर्टेज, मतलब गाड़ी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है सर। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने कहा कि ये गाड़ी ऑडी ई-ट्रॉन जैसी है, तो क्या प्राइस होगी इसकी? वन से प्लस ही होगी, 1 करोड़ से ऊपर ही होगी। इस गाड़ी की आप बता रहे हैं कि 1 करोड़ से ऊपर है। सर इस गाड़ी की कीमत है सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपया। 15 लाख? जी नहीं यार, आप झूठ बोल रहे हो यार। क्या लगता है आपको? नहीं ये 15 लाख की नहीं हो सकती यार। कितने की हो सकती? गाड़ी बड़ी प्यारी है, उसकी शेप देखो ऐसे जैसे मतलब वो ई-ट्रॉन गाड़ी तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपए की वो गाड़ी है ई-ट्रॉन। अच्छा सर, ये गाड़ी आपको कहाँ की लगती है जो इतनी सस्ती आपको मैं बता रहा हूँ, तो कहाँ की लगती है आपको? ये पाकिस्तान में तो नहीं है, ये जैपनीज होगी या कोरियन या इस तरह के, मतलब किसी कंट्री के। जापान या कोरियन की इतनी सस्ती गाड़ी होगी? हाँ सिर्फ वो, मतलब गाड़ी तो मैं आपके प्राइस जो है ना वो मेरी समझ में नहीं आ रही आप जो बता रहे हैं। अगर इतने प्राइस में तो मैं तो ज़रूर लूँगा फिर। सर ये रुपीस में ही है और ये गाड़ी है आपकी हमसाया मुल्क इंडिया की 15 लाख में वो गाड़ी दे रहे हैं। ज़बरदस्त यार, बहुत अल्लाह, वेरी गुड यार, इंडिया तुम तो बहुत तरक्की कर गए हो यार, हम इधर ही फंसे रह गए हैं यार, बड़ी अच्छी बात है। मुझे ये गाड़ियाँ मंगवा के देनी है आपने, 6। हाँ। जबरदस्त सर, मुझे ये बताइएगा गाड़ी भी आपको पसंद आ गई और आपने ऑर्डर भी दे दिया, ये गाड़ी आपकी हमसाया मुल्क इंडिया की और पाकिस्तान में, क्योंकि अभी गाड़ी नहीं आ सकती, हाँ तिजारत होगी तो फर्दर जो है आप ये गाड़ी मंगवा सकते हैं। अब मुझे तो नहीं पता, बहरहाल ये अच्छी गाड़ी मुझे पसंद आई है। गाड़ी पसंद आई है? हाँ, पसंद। क्या कहेंगे आप? मैं क्लैपिंग करूँगा। चले ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान सर मुझे बताइएगा कि गाड़ियों का शौक है आपको? जी है सर। कौन सी गाड़ी पसंद है? गाड़ी मुझे V8 पसंद है। V8 पसंद है, ज़बरदस्त सर। गाड़ी का क्या प्राइस है V8 की? V8 की इस टाइम आई थिंक 50 से अबव है मेरे ख्याल से। 50 लाख से अबव है? जी। ठीक है सर, मेरा बेसिकली आज का टॉपिक भी गाड़ी से रिलेटेड है, तो मैं आज आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ। आपने ये गाड़ी देख कर मुझे बताना है ये आपको गाड़ी कैसी लगी, लुक वाइज और इंटीरियर वाइज कैसी गाड़ी लगी आपको? ज़बरदस्त गाड़ी है, गाड़ी जबरदस्त लग रही है, प्यारी है, अच्छी लग रही सर, है सर। पाकिस्तान की किस गाड़ी के साथ कंपेयर करेंगे ये? इसको मैं V8 के साथ तो नहीं, इसको आप कर लें BRV के साथ कर लें। BRV के साथ, ठीक है। क्या प्राइस है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में BRV की इसकी यार 1 करोड़ तो होगी। 1 करोड़ BRV की बता रहे हैं, तो अंदाजन इसकी क्या कीमत होगी? इसकी आप लगा लें, नियर अबाउट होगी इसके? हाँ इसके आसपास ही होगी, नियर ही होगी। यानी कितनी होगी अंदाजन? 80 होगी। 80 लाख के राउंड बोर्ड आप बता रहे हैं इस गाड़ी की कीमत होगी? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो इस गाड़ी की कीमत है सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपया। ना करो यार, सच में कौन से मुल्क में? सर आपको क्या लगता है किस कंट्री की ये गाड़ी लगती है? यार ये मुझे जापान या कोरिया की लग रही है, इसके अलावा नहीं लग रही। नहीं सर, ये गाड़ी आपकी हमसाया मुल्क इंडिया की।
ना करो यार, इंडिया में हर चीज़ अब सस्ती हो गई है, ये गाड़ी भी सस्ती है उधर। सर ये गाड़ी वो अपने ही मुल्क में लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इसीलिए सस्ती है, यानी अपने मुल्क में ये गाड़ियाँ बना रहे हैं, ये खुद उधर मेड कर रहे हैं अपने। जी जी, और ये उनका अपना ब्रांड है, इस ब्रांड का नाम है टाटा सफारी, गाड़ी का नाम है सफारी और टाटा ब्रांड के नाम से ये गाड़ी तैयार कर रहा है। तो इधर पाकिस्तान में तो बहुत महंगी होगी ये फिर। अच्छा सर, अगर ये गाड़ी पाकिस्तान में हो तो कितने की होगी अंदाजन? पाकिस्तान में ये तो फिर यार आप लगा लें राउंड अबाउट 50 के राउंड अबाउट होगी। 50 के राउंड अबाउट पहुंच जाएगी पाकिस्तान में? पाकिस्तान में आराम से पहुंच जाएगी। अच्छा सर, क्या कहेंगे अगर इस तरह की मायारी और सस्ती गाड़ी पाकिस्तान में होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा शाहजेब अली, शाहजेब साहब मुझे ये बताइएगा कि गाड़ियों का शौक है आपको? ऑब्वियसली गाड़ियों का शौक किसको नहीं होता। ज़बरदस्त सर, कौन सी गाड़ी पसंद है आपको? मुझे जो यू नो इकोनॉमी को भी जो साथ लेके चले बंदा, और गाड़ी यू नो थोड़ा लग्जरी फील हो बंदे को, मतलब यू नो कोई एक गाड़ी जो मतलब आपको बहुत अच्छी, मतलब जो हमारी एज है जो हम काम कर रहे हैं, लेट से हमारी एज इस एज के अगर देखा जाए तो मैं प्रेफर करूंगा कि मुझे मेरे पास जो है ना सेडान नहीं होनी चाहिए, कोई हैचबैक होनी चाहिए कि यू नो बजट में भी आ जाती है गाड़ी और इकोनॉमी को बंदा देख के अगर चलाता है तो यू नो थोड़ा गाड़ी को चला भी सकता है, वरना जो हालात हैं मुल्क के और पेट्रोल की जो कीमत है उससे तो फिर आपको पता है बड़ा मुश्किल है। ओके सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि गाड़ियों को जाहिर बात है हर बंदे को शौक होता है, तो बेसिकली मेरा आज का टॉपिक भी गाड़ी से रिलेटेड है, तो मैं आज आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ, आपने ये गाड़ी देखकर मुझे बताना है कि गाड़ी आपको कैसी लगी, और अगर मुझे ये भी बताइएगा कि पहले आप गाड़ी देखिएगा इंटीरियर वाइज लुक वाइज देखिए गाड़ी कैसी है। नहीं गाड़ी तो बहुत ज़बरदस्त है, एक अच्छी SUV लग रही है एग्रेसिव शेप में, और तो बहुत अच्छी है। देखने में आपको कैसी लगी गाड़ी? नहीं बहुत ज़बरदस्त है, मतलब SUV जैसे पाकिस्तान में काफ़ी अब ट्रेंड हो गया SUVs का ना। जी जी, ये लोग प्रेफर करते हैं सेडान एज कम्पेयर टू सेडान की SUV होनी चाहिए हमारे पास, तो ये काफ़ी अच्छी SUV और उसकी जो मस्कुलर शेप है एग्रेसिव सी लुक है गाड़ी की, तो यू नो इसका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ता है, और गाड़ी भी साइज वाइज और इसको जो है सारा सिनेरियो बहुत ज़बरदस्त है गाड़ी का। तो ठीक है, अच्छा सर मुझे ये बताइएगा गाड़ी भी आपको पसंद आएगी, अंदाजन इस गाड़ी की क्या कीमत होगी? अंदाजन देखा जाए तो ये मतलब ये जो है स्पोर्टेज और HRV जो हो गई BRV होगी तकरीबन उसी SUV से अगर रिलेट किया जाए तो ये ऑलमोस्ट होगी 85 लाख के राउंड अबाउट होगी। इस गाड़ी की क्या कीमत होगी देखा जाए अगर SUV को देखा जाए, जैसे पाकिस्तान में मार्केट है SUV की, स्पोर्टेज होगी और ये CHR होगी, ऑलमोस्ट गाड़ी की शेप उससे रिलेट कर रही है, तो देखा जाए तो यही 75 लाख 80 लाख के करीब होगी अगर उनसे कंपेयर किया जाए, क्योंकि गाड़ी दिखने में तो बिल्कुल वैसी है। ठीक तो है भी SUV फिर यू नो, तो आई थिंक इतनी की होनी चाहिए 75-80 पाकिस्तान की, अगर हम देखा जाए मार्केट को देखा जाए तो इसकी इतनी ही कीमत बनती है। ठीक है सर, इस गाड़ी की कीमत है सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपये। आप सच कह रहे हैं? जी सर। नहीं मुझे नहीं लग रहा 15 लाख। जी जी सर, 15 लाख की गाड़ी। सर ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है कि इतनी सस्ती गाड़ी और इतनी अच्छी गाड़ी, मतलब इट डजंट मेक सेंस, पता नहीं कैसे आप कह रहे हैं। मुझे ये बताइएगा ये किस कंट्री की होगी? हो सकता है चाइना ने कोई पाकिस्तान में न्यू इन्वेंट की हो। आपको चाइना की लगती है? सर ये गाड़ी आपके इंडिया की। अच्छा, इंडिया ने ही, इंडिया जो कि ये ऐसी तमाम गाड़ी जो है अपने मुल्क में लोकल मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्या पाकिस्तान में भी इस तरह की गाड़ी जो है हमें लोकल मैन्युफैक्चर करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, यू नो ये तो एक सोर्स है, एक बिजनेस का भी सोर्स है और एक ज़रूरत है गाड़ी, और पाकिस्तान में आपको पता है कि काफ़ी अब जो है ना प्रेफर करते हैं लोग कि यू नो एक छोटी या बड़ी गाड़ी एटलीस्ट घर की ज़रूरत ही है, तो चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तो देखिए हमसाए मुल्क को देखो तो वहाँ तो काफ़ी ब्रांड है जिसमें टाटा है, महिंद्रा है, और उसके अलावा सुजुकी मारुति है। और सर अभी ये जो अभी गाड़ी दिखा रहा हूँ ये टाटा की सफारी गाड़ी है जो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा टाटा की गाड़ी है, सही सही। वो देखें ना उन्होंने अगर अपनी कंपनी में वो अपने अपने मुल्क में अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, तो इसको इससे उनको बिजनेस भी मिल रहा है और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं इंडियन उनको बड़ी फैसिलिटी हो रही है कि इतनी सस्ते में उनको इतनी अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। पाकिस्तान में देखा जाए तो हम बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं, वो टैक्सीज वगैरह मिला के गाड़ी की कीमत कहाँ से ली जाती है, तो ये हमें यू नो ड्रा डाउन है, फॉल बैक है पाकिस्तान के लिए।